सो टर्म्स ऑफ ट्रेड की डिफरेंट टाइप्स पढ़ने के बाद इस मीड्यूल के अंदर वी विल लर्न कि कौन सी ऐसी रीजंस हैं जिसकी वजह से जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं इनके टर्म्स ऑफ ट्रेड डिटोरिएट करते हैं और जिसको इफ़ेक्ट uh, बताया जाता है कि ट्रेड उनको नेगेटिवली इफेक्ट करती है लाइक like एक स्टडी uh, थी सिंगर एंड मेडल की उसने बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट पेश किया और ये टू समस्टेंट ट्रू भी है अगर हम रियल वर्ल्ड के अंदर देखें तो दे सेड मोस्ट और ऑल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ इन द डेवलप्ड नेशंस आर पास्ड ऑन देयर वर्कर्स व्हाइल मोस्ट ऑफ मोस्ट और ऑल ऑफ प्रोडक्टिविटी इंक्रीज इन ले डेवलपिंग नेशंस आर रिफ्लेक्टेड इन लोअर प्राइसेस। अब इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ये किस तरीके से प्रोडक्टिविटी uh, की हमने बात की कि जब टेक्नोलॉजी आती है तो प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो जो आपके पास हम लोग किसी ज़माने में पढ़ते थे माइक्रो uh, इकनॉमिक्स के अंदर डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल तो आप uh, जितना जितना कैपिटल ज़्यादा लगाते चले जाएंगे लेबर ज़्यादा लगाते चले जाएंगे किसी प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर तो उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी हर एडिशनल यूनिट की विद द पैसेज ऑफ टाइम कम होती चली जाती है लेकिन टेक्नोलॉजी uh, की वजह से वो जो नेगेटिव इफेक्ट था वो कम हो जाता है तो उसको हम कहते हैं कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ कर रही है ड्यू टू द टेक्नोलॉजी अब जो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज है जो आप प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं ड्यू टू द रिसर्च एंड डेवलपमेंट ड्यू टू द टेक्नोलॉजी जो आपके पास पॉजिटिव आपके पास एक्सटर्नलिटीज़ आती हैं टू ट्रेड उससे जो रिटर्न है वो डेवलपिंग uh, कंट्रीज और डेवेलप कंट्रीज के अंदर जो उसका जो प्रोडक्टिविटी का जो आउटपुट है या जो प्रोडक्टिविटी हुई आपकी बड़ी है उससे जो गेन मिला आपको उसकी डिस्ट्रीब्यूशन बड़ी इंटरेस्टिंग है डेवलप कंट्रीज क्या करते हैं वो उस प्रोडक्टिविटी इंक्रीज का जो शेयर है वो अपनी लेबर को दे देते हैं इन फॉर्म ऑफ हाई इनकम एंड वेजेस जबकि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो उस जो गेन होना है प्रोडक्टिविटी का वो चीज़ की प्राइस को कम करके कंज्यूमर uh, की तरफ जाता है और वो ज़्यादातर गेन्स अपने पास रखते हैं अब इनकी रीज़न्स uh, हैं कुछ रीजन्स को स्टडी करते हैं तो वहाँ से भी थोड़ा सा आइडिया क्लियर होगा इस चीज़ को लेके अब लेबर मार्केट इज़ डिफरेंट लेबर मार्केट डिफ़रेंशियल्स आर देयर उसकी बहुत सी हैं फर्स्ट रीज़न इज़ क्वाइट क्लियर जो आपके पास पॉपुलेशन ग्रोथ रेट डेवलपिंग कंट्रीज़ का काफ़ी हाई है इन कम्पेरिजन टू द डवेल्प कंट्रीज़ तो इस वजह से जो लेबर अवेलेबलिटी है डिवेलप कंट्रीज़ के अंदर वो कम है जबकि डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर लेबर काफ़ी ज़्यादा तादाद में मिल जाती है और वंस अगेन रिसोर्स इतने रिसोर्स नहीं होते तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी हाई होते हैं तो आपके पास लेबर सस्ती मिल जाती है तो अगर सपोज़ आप कोई एम्प्लॉय कहता है कि आपकी फर्म बहुत ज़्यादा प्रॉफिट ले रही है या फर्म इस तरीके से है तो आप हमारे सैलरीज बढ़ाएँ वेजेस बढ़ाएँ तो डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल सी सिचुएशन है उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे कोई लेबर यूनियंस ऐसा काम नहीं कर रही जो कि डिवेलप कंट्रीज़ के अंदर बड़ी इस्टेब्लिश हैं वहाँ पे जो लेबर यूनियन का जो रोल है आपके पास ओवरऑल मार्केट के अंदर लेबर मार्केट के अंदर वो बहुत ज़्यादा है वो रेगुलेट करवाते हैं प्राइसेस तो वंस अगेन जब आपके पास बागनिंग पार नहीं है तो फिर आप उसी वेज के ऊपर काम करते हैं और आपको ये भी पता है कि मैं अगर थोड़ा सा इस चीज़ को इस चीज़ के अंदर आऊँगा के वेजेस इंक्रीज और ये वाला आइडिया तो आपको अपनी जॉब से जाने का भी एक थोड़ा सा आ, डर होता है क्योंकि यू नो दैट कि आपकी स्किल के बंदे या आपकी एजुकेशन के अकॉर्डिंग जो आपका एम्प्लॉ है उसको ईज़ीली अवेलेबल हैं लोग तो वन रीज़न इज़ दैट तो डेवलप कंट्रीज़ के लोगों की जब प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो उस प्रोडक्टिविटी को वो ज़्यादातर अपनी लेबर के अंदर डिवाइड कर देते हैं इन फॉर्म ऑफ हायर इनकम्स और हायर वेजेस लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं मिलेगा आपको देन फिर एक चीज़ इसी चीज़ से लिंक्ड है जो डेवलप्ड कंट्रीज़ को फ़ायदा होता है वंस अगेन हम इसमें कह सकते हैं कि दोनों तरफ से उसको फ़ायदा होता है वो किस तरीके से होता है सपोज़ जो आ, अगर इनकेस हम बात आगे हमने की ऊपर जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वो अपने प्रोडक्टिविटी गेंस को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं या दे देते हैं लेबर को जहाँ से उनकी वेजेस को बढ़ाया जाता है और उनकी इनकम बढ़ जाती है लेबर की तो उस केस के अंदर अगर आप देखें तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ होते हैं जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज़ होते हैं वंस अगेन तो वो तो प्रोड्यूस करते हैं मैन्युफैक्चरिंग गुड्स या जो आपके पास कैपिटल गुड्स की बात करते हैं तो वो कैपिटल गुड्स जब आनी है डेवलपिंग कंट्री के अंदर तो उनकी प्राइस ज़्यादा होगी क्योंकि उन्होंने अपनी लेबर को ज़्यादा वेज दी हुई है तो उनके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑलरेडी ज़्यादा है तो वो जो कॉमोडिटी कैपिटल गुड्स किसी कैपिटल गुड डेवलप हो रही है डेवलप कंट्रीज़ के अंदर तो वो कंट्रीज जब एक्सपोर्ट करेंगी डेवलपिंग कंट्रीज़ के पास तो डेवलपिंग कंट्रीज़ को जो पे करना पड़ेगा वो ज़्यादा पे करना पड़ेगा और दूसरी साइड पे क्या होगा जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जो हमने ज़िक्र किया है जो प्रोडक्टिविटी है उसको इन फॉर्म ऑफ लोअर प्राइसेस में आपको जो जाती है मोस्ट ऑफ़ द टाइम तो अगर डेवलपिंग कंट्रीज़ में अगर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर रही है तो चीज़ की प्राइस कम हो रही है वंस अगेन और डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो हम लोग ट्रेडिशनली देखते हैं मोस्ट ऑफ़ द टाइम आपके पास एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ की हम बात करते हैं तो वो जो प्राइस डिक्रीज़ है उसका फ़ायदा वंस अगेन डेवेल्प कंट्रीज़ लेते हैं वो किस तरीके से लेंगे कि जब हम डेवलपिंग कंट्रीज़ के लोग अपनी प्रोडक्ट को सेल करेंगे इन इंटरनेशनल मार्केट डिवेलप वर्ल्ड के अंदर तो वो उनको वंस अगेन सस्ती मिलेगी तो इन दैट केस वो दोनों फॉर्म्स के अंदर अपनी प्रोडक्टिविटी का भी फायदा उठा रहे हैं और जो डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर जो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज आ रहा है उसका भी फायदा उठा रहे हैं तो इस वजह से जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको टर्म्स ऑफ ट्रेड उसके हमेशा अनफेवरेबल आपको मोस्ट ऑफ़ द टाइम नज़र आएंगे जैसे पाकिस्तान की बात करें तो अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें तो आपको मोस्ट ऑफ़ द टाइम यही मिलेगा कि आपकी एक्सपोर्ट्स की जो टर्म्स ऑफ ट्रेड हैं हमेशा अनफेवरेबल ही रहे हैं आपकी एक्सपोर्ट्स हमेशा कम रही हैं और इम्पोर्ट्स हमेशा ज़्यादा रही हैं कोई शायद एक दो ईयर्स आई डोंट थिंक सो होंगे एक दो ईयर्स भी जहाँ पे आपकी इम्पोर्ट्स uh, कम और एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगी एंड देन एक और uh, बड़ी इंटरेस्टिंग uh, चीज़ है जिसकी वजह से uh, आपके पास जो टर्म्स ऑफ ट्रेड हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज़ के हमेशा अनफेवरेबल रहते हैं उसकी रीज़न uh, ये है कि जो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स हैं ये जो कैपिटल गुड्स हैं उनकी डिमांड रैपिडली बढ़ती है लेकिन जो आप एग्री जो एग्रीकल्चर गुड्स की बात करते हैं वहाँ पे ये सीन आपको नज़र नहीं आता अब जैसे सपोज मैं एक इंडिविजुअल हूँ जैसे जैसे मेरी इनकम में इजाफा होगा वैसे वैसे मैं एग्रीकल्चर या खाने पीने से रिलेटेड जो बेसिक गुड्स हैं उनका यूज़ कितना ज़्यादा कर सकता हूँ वो उतना ही रहेगा ऑलमोस्ट वो मेरा प्राइस इलास्टिक नहीं होगा इतना ज़्यादा वो इनकम सॉरी इनकम इलास्टिक नहीं होगा वंस अगेन प्राइस इलास्टिक की बात कर सकते हैं तो आपके पास जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जो चीज़ें भेज रही हैं डेवलप वर्ल्ड के अंदर वो एज सच जो है उसकी डिमांड उस तरह से चेंज नहीं हो पाती अगर डेवलप कंट्रीज़ के लोगों की इनकम बढ़ती है तो वो जो डेवलपिंग वर्ल्ड से इम्पोर्ट्स आ रही हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करते वो कैपिटल गुड्स के ऊपर डेवलप करेंगे वंस अगेन जब डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात करते हैं तो यहाँ पे जब लोगों की इनकम बढ़ेगी तो वो एग्रीकल्चर गुड्स के ऊपर या बेसिक गुड्स के ऊपर इतना ज़्यादा खर्च नहीं करेंगे वो कैपिटल गुड्स की तरफ जाएंगे जैसे जैसे लोगों के लाइफ बेहतर करने के लिए अगर आप देखें तो वो कैपिटल गुड्स की परचेज़ करते हैं मोस्ट ऑफ़ द टाइम गाड़ी ले ली आपके पास बेहतर टीवी ले लिया बेहतर सपोज एलसीडीज़ बड़ी ले ली या कुछ इस तरह की चीज़ें जो आपके पास टाइल्स हैं सपोज आप घर में लगाते हैं वो लोकल की बजाय आपकी इनकम बड़ी आप इटेलियन टाइल की लगाएंगे इटेलियन टाइल लगाएंगे तो इन दैट केस आप देखें तो ओवरऑल जो गेन होगा वो वंस अगेन टर्म्स ऑफ ट्रेड नेगेटिव होने की रीज़न ये बनती है कि दोनों केसेस के अंदर डेवलप कंट्रीज़ को फ़ायदा होता है इन कुछ बेसिक्स हमने ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी है जिसको मैंने कोर्ट किया हुआ यहाँ पर तो इस, इसके रिज़ल्ट बड़े इंटरेस्टिंग है जिसमें ये शो करता है कि डिवेलपिंग कंट्रीज़ इन इन रीज़न की वजह से उनके टर्म्स ऑफ ट्रेड हमेशा अनफ़ेवरेबल ही रहते हैं